अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए मैंने 1 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए और 1.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अस्तर की कटिंग कर ली है कुर्ती के लिए। तो सेम आपका जो भी नाप होगा आप उस हिसाब से कुर्ती की कटिंग करें। मैंने कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अपने चैनल पर पहले ही अपलोड करके रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, सेम उसी नाप पे मैंने जॉर्जेट फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए लेंथ आपको जितनी भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 40 इंच की कुर्ती तैयार करनी है तो मैंने 40 इंच रखा है और ये स्लीव मैं चूड़ीदार बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये लंबी स्लीव कट करी है और जिसकी लंबाई मैंने रखी है 30 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने रखी है 8.5 इंच। नीचे से मैंने 5 इंच रखा है और नॉर्मल स्लीव जैसे नॉर्मल स्लीव हमारी कटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक को इस तरह से बिछा दिया पूरा एंड अब इसके ऊपर हम अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे। ये हमारा अस्तर फैब्रिक। फ्रेंड्स, मैंने अस्तर फैब्रिक को थोड़ा अपनी जॉर्जेट फैब्रिक से कम ही लंबाई में कट करा है। आप चाहे तो पूरा इक्वल भी रख सकते हैं उसके साइज़ का। मैंने 5 इंच कम रखा है और अब मैं ये नेक पर सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है, ये छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर दूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये नेक तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें धागे वाली लेस यूज़ कर रही हूँ चौड़े, आप इसे पतली भी यूज़ कर सकते हैं जिससे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं नेक के पास से ये 10 इंच पे एक मार्क कर लूँगी बिल्कुल सेंटर पे। आपको अपनी कुर्ती की सेंटर निकाल देनी है। ये मैंने सेंटर पे 10 इंच पे मार्क कर लिया। उसके बाद ये जो हमारा लेस है इसको मैं कुछ इस तरह से इस पर रखूँगी, ये देखिए वी शेप में। और सेम इसी लेस को मैं इस साइड पे टर्न कर दूंगी और बीच में हमें ट्रायंगल बना देना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से सेट कर लूंगी। उसके बाद इस पर सिलाई लगा देनी है, जैसे मैंने सेट करा है बिल्कुल वैसे ही सेट करके इस पर सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है, मैंने दोनों साइड्स करके सिलाई लगा दिया है। उसके बाद मैंने बैक पार्ट के साथ इसकी कंधी ज्वाइन कर ली है इस तरह से। और अब मैं इस कुर्ती की नॉर्मल जैसे फिटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही फिटिंग लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग और उसमें फ़िटिंग लगाने का तरीका भी बताया है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये मेरी कुर्ती तैयार हो चुकी है, फिटिंग लग चुकी है इसमें। ये देखिए मैंने अभी स्लीव इसमें स्टिच नहीं करा है, स्लीव बिल्कुल लास्ट में लगाऊंगी एंड अब इसके बाद इसका चाक बना लूँगी। ये इस तरह से डबल फोल्ड करके जितना हमारी हिप की फिटिंग लगी है उसके हिसाब से मैं चाक बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चाक भी बना लिया, इसके साथ नीचे का भी मोड़ दिया है। अब उसके बाद जो सेम हमने लेस नेक पर लगाया है वही लेस मैं साइड में लगाऊंगी। जो हमारा आर्म होल है मैं वहीं से लेस लगाना स्टार्ट करूंगी इस स्टाइल में। ये देखिए इस तरह से जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे थोड़ा थोड़ा दूर हमें इस लेस को लगाना है, बिल्कुल उस स्टिच पर ही नहीं लगाना है। तो इस तरह से मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे हमने इस लेस को लगाना है और उसके बाद स्टिच कर देनी है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच कर दिया है एक साइड पे लेस, सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने नीचे से कट करके इस लेस को लगाया है। ये देखिए ये दोनों साइड पे मैंने लेस लगा दिया। अब मैं इसके नीचे ये लेस लगा दूंगी इस तरह से। ये
यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद अब मैं स्लीव तैयार करूँगी। सो फ्रेंड्स, हमने जो स्लीव कट करा था, सबसे पहले मैं नीचे का मोड़ लूँगी, इसमें इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये सिलाई हो चुकी है और अब मैं इसकी फिटिंग बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, चूड़ीदार स्लीव की फ़िटिंग थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, जिससे हमारी चूड़ियाँ समझ में आए, तो मैं ये नीचे से 4.5 इंच पे लगा रही हूँ और बाकी की अपने हाथ के अकॉर्डिंग ही लगा रही हूँ, जितनी मेरी फ़िटिंग की है। नीचे से मैंने सिर्फ पतला रखा है और इसी पर अब मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लग चुकी है और आर्म होल के पास का मैंने कुर्ती के आर्म होल के बराबर ही रखा है। और अब मैं इसे कुर्ती में जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने कुर्ती को सीधी साइड में रखा हुआ है और अब मैंने इसे उल्टा कर लिया और अब मैं इसमें स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव मैंने सीधा ही रखा है और इसे अंदर साइड में इस तरह से टर्न किया है और जो हमारी फिटिंग का सिलाई है वहाँ से आस्तीन की सिलाई को मिलाते हुए पूरे गोलाई पर मैं ये पिन से पहले सेट कर लूँगी। इस तरह से पूरे गोलाई में ये मैंने दोनों स्लीव सेट कर लिया है और सेम ऐसे ही मैं सिलाई लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये कुर्ती मेरे सिल के तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया। आप इसे प्लाजो के साथ, लेगीज के साथ या फिर जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।